अब आप लोगों में से ना काफी लोगों के नवरात्रों के फास्ट चल रहे होंगे और काफी लोगों ने ना नाइन ना डेज भी रखा होगा तो थोड़ी सी एनर्जी ना डाउन भी होने लग जाती है तो क्यों ना कुछ हेल्दी बनाया जाए घर पे क्योंकि मार्केट से हम कोई भी लड्डू वगैरह लेकर आते हैं ना फास्ट के वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी आते हैं और वो इतने हेल्दी भी नहीं होते क्यों ना घर पे ही बनाया जाए तो मैंने यहां पर नारियल लिया था नारियल को ना मैंने ग्राइंड करके ना उसका पाउडर बना लिया था और उसको हल्का सा ना यहाँ पर मैंने भून लिया था आपको ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि नारियल का जो एक्चुअल फ्लेवर है ना वो आना चाहिए तभी बहुत टेस्टी बनेगी दी। उसके बाद मैंने देसी घी लिया है देसी घी में मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का सा भून लिया है आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है ना आप उनको यूज कर सकते हो उसके बाद मेरे पास ना कुछ सीड्स पड़ी हुई थी उनको भी मैंने भून लिया था सीड्स को मैंने लास्ट में डाला था क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाती हैं तो उनको बस हमें हल्का सा ही यहाँ पर रोस्ट करना था। उसके बाद मैंने बहुत ईजी है आपको लो फ्लेम पे दूध को रखना है और चलाते जाना है फिर मैंने जो जितनी भी मैंने चीजें रेडी करी थी ना जैसे कि ड्राई फ्रूट का भी मैंने पाउडर बना लिया था जब आप ड्राई फ्रूट का जब पाउडर बनाओगे ना तो उसको ज्यादा बारीक नहीं करना है खोया भी ना आपको ज्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि खोया जब आप ज्यादा गर्म कर दोगे ना तो वो पानी सा छोड़ जाएगा अगर आप अपने बैटर में मिक्स करोगे तो देन मैंने इलायची को एड ऑन करके पर पूरा डाल दिया था सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोई भी लम्बस नहीं रहना चाहिए और खोया ना हल्का सा गुनगुना जब हो जाए ना तभी आपको उसमें मिक्स कर देना है और ध्यान से देखिएगा आपके ना हाथ ना जले जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाना है और आपको ना गर्म गर्म बैटर में ही ना हल्का सा जब गर्म होता है तभी आपको लड्डू प्रिपेयर कर लेने हैं अदरवाइज वो बनेंगे नहीं बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आपने ना मॉर्निंग में दूध के साथ ले सकते हो रात में भी आप दूध के साथ ले सकते हो तो काफी हेल्दी रहते हैं वो फुलो और बाय गाइज